अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मैं हूँ डेरे में। और आज हम हैं डेरे में और हमें सफाई करनी थी यार। डक का एक बच्चा और जो है दब गया था, ये भी हम सफाई में लगे हुए हैं। डक के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ था ये भूसा। बत्तख जो है इसके ऊपर पैर रख के खड़ी हुई थी कल भी दोपहर शाम में जब मैं आया हूँ। मैंने उसको हटाया, बच्चा बच गया था। लेकिन राहिल और अब्बास अभी डालने के लिए आए तो दोबारा उसके ऊपर उन्होंने उसने पैर रखा हुआ था, पता नहीं भूसे गया उसको नज़र नहीं आया क्या हुआ। बच्चा यार एक बार मर गया, दो बच्चे मर गए बत्तख के ना, तो बड़ा दुख हुआ है। तो हमने सबको डाल दिया है दाना, बकरियां खा रही हैं बकरे भी। अभी अब जो है तोते और मुर्गियां रह गई हैं, उनको जो मुर्गियाँ बेताब हो रही हैं खाने के लिए बाहर। तुम्हारे लिए नहीं रहे ये लोग, हम आ गए और ये लहसुन खाने में लगी हमारी डक्स। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप कैसे खा रही हैं, मजे मजे से खा रही हैं, मजे मजे से मजे से खाती हैं ये लोग। माशाल्लाह देखें आप कैसे खा रही हैं। अल्लाह रमजान में यार बुरा दफ हो जाता है और दो दिन से गर्मी भी बहुत है, आपको पता है कि मौसम देखना अच्छा हो रहा है, दो दिन से गर्मी है। और अभी ये लूसर हाथ में पकड़ के खा, अबे हाथ खाती है मेरा, हाथ खाती है साली, हाथ खाती है साथ। ढोलू बोलू देखें क्या खाने पे लगे हुए हैं, थैली ये रस्सी खाने में लगे हुए हैं, रस्सी ये रस्सी खा रहे हैं, ये देख रहे हैं ये रस्सी खाने में लगे हैं दोनों शरारती बच्चे ये रस्सी को। तो हम कॉकटेल को देखते हैं, चिपक गया उसको अंडा दिया हुआ था उसने लोटी दोनों ने। राहिल इधर आओ, ये क्या सीन हुआ उस्ताद, उसको अंडा चिपका पड़ा है। राहिल इधर एक मिनट, अबे भाई साहब ये देख ये क्या हुआ, ये क्या करा काटा है। अबे काट रही है होते तोड़ दिया अंडा, तोड़ दिया अंडा के ऊपर मेरे हाथ पे काट रही है, चिपके से गैस के ऊपर ये यार, ये देखने को सारा चिपक गया है अंडा, सारा टूट गया है यार, पत्ती कैसे टूटा इसने अंडे दिए क्या करा। जोर से काटा भी मेरे हाथ पे इसने, टाइट वाला काटा है यार। उफ अल्लाह, अभी क्या करें इसको तो यार, ये अगर ये नहीं करेंगे ना ये ओ जोर से काटती भाई साहब, जरा लग रहा था क्या होगा यार, देखिए वो चिपक गई और अंडों पर ना बैठ नहीं सकेगी ये, मैंने सिलिंग हटाया ना भाई, क्या करें इसका गीला करके हटा दें। कितनी कर लेगी भाई छोड़ दे, तो यार बहुत जोर से काटा भाई उन्होंने जो है, मेरी उंगली को धर देती है आपको पता है, बहुत टाइट काटते हैं लोग यार। अंडा जो है इसने दिया हुआ या तो कुछ गीला हुआ क्या हुआ, उस पर चिपक गया है ये, तो इसने तो चिपका लिया पूरा वक्त, देखा किसी के देख रहे हैं ये। तो वो कहाँ बैठा हुआ अपने ऊपर वहाँ के, उसको दबा दिया अभी, मिट्टी के ना छोड़ दो आपके बच्चे थे ना, उसको आप जो है मिट्टी में ना छोड़ें। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया कि मुर्गी जब मिट्टी में होती है ना तो ये ऐसे पंजे मारती है, और ये पंजे में वाकई जब मारती है तो उनको बच्चे नजर नहीं आते हैं, बच्चे भी पैरों में आ जाते हैं। जैसे भी देखें डक का बच्चा, उसमें भूसे में पता नहीं चला दब गया मार दिया उसने ना, ऐसे ही इसका होता है मुर्गी का, जब ये मुर्गी पंजे मारती है ना साथ में बच्चे भी आते हैं तो ये उसको साथ में लपेट देती है, तो उसमें चूजे के बच्चे मर जाते हैं। या तो आप बच्चों को अलग रखें मुर्गी को अलग रखें, तो सैटे बनना, अदरवाइज साथ ना खोलें वरना ये ना बच्चों को मार देती है। अभी डॉक्टर को हमने पानी डाल दिया है यार, दाना भी डाल दिया है, और इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अंडा चिपका पड़ा यार पूरी तरीके से, समझ में नहीं आ रही तरफ से क्या करें, इसको हटाएं यार रहने में से, इसको रहने दो ऐसे ही निकाल लेगा, निकाल लेगा अल्लाह मालिक, इसका पानी डाल देता हूँ मैं और पानी डाल के उसको चेंज कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ढोलू बोलू आज धूप की सिकाई कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं ये दोनों,
आरएल क्या कर रहे हैं ढोलू बोलू, ये सिकाई कर रहे हैं धूप की, सिकाई कर रहे हैं भाई माशाल्लाह मजा आ रहा है, कुछ सिकाई कर रहे हैं ये और सब्जी खाने लग गई। हाँ माशाल्लाह उला कुवत अल्लाह बिल्ला, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, स्वेटर उतार दो उसका, ठंड खत्म हो गई तकरीबन, जैसे स्वेटर उतार देते हम। धर्म गिरी बात आइए ऐसे नहीं, वो खोर गिर गया, देखो बोलना कुछ गिरा है, शुक्र है बच्चे बच गए यार, खोर आखिर में उन्होंने गिरा दिया, बैठ गए रहने दो, नस्ल हो रहा है रहने दो भाई, बैठी हो रही आगे से निकाल दिया, पहना दो उसको वापस पहना दो, ये बच्चा बोल रहा है ये, आओ डोलू बोलू इनको इनको, इसकी आवाज़ बढ़ गई इसकी यार, इसको कावा वावा पिलाना पड़ेगा, कावा पिलाना पड़ेगा उसको, खाते हैं ये, हाँ खाते हैं, भगा दे बच्चों को मारेगा वो मुर्गी लड़ेगी, हटा दे मुर्गी को, हटा दो मुर्गी डर रही है ना, सेफ नहीं समझिए बच्चों को, वो बच्चों को देख मान नहीं जा रहा उसको, ए वो तो चूजे को देख कैसे लड़ने जा रहे, मुर्गा होगा ये मुर्गा होगा। भाई सुल्तान और रंजिला का चल रहा है फड्डा टाइड वाला, मस्तियां करने में लगे हुए लोग। हाँ भाई साहब लगे रहो लगे रहो, यार इसका डंडा राइल कहाँ चला गया, डंडा लगवाओ यार इसका, यार इसका दक का एक बच्चा मर गया यार, बड़ा दुख हुआ यार इसका, एक बच्चा दो मर गया इसके डक्के बच्चे यार, भाई ये तो लड़ने में लगे हैं, मस्तियाँ की ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो इनको जैसे साहब छुड़ाना पड़ेगा, ये बस खोर भी इनका गिर गया, खोर उठाना पड़ेगा यार, इनका गिर गया इसको यहाँ लगाओ, और साहब कहाँ घुस रहा है कहाँ निकल गया तू, अबे भाई अबे कहाँ घुस गया बीच में घुस गया राजा, हमने बच्चों को बच्चों को बाहर निकाल दिया है और मुर्गियों को अंदर छोड़ दिया हमने, और मुर्गियाँ अंदर मज़े कर रही हैं और बत्तख के बच्चे और बत्तख, और हमारे सफाई भी चल रही है साथ साथ, और बकरों को हमने बाहर कर दिया है ताकि ये यहाँ पे खाए भी ऐश करें मौज करें मस्ती करें, और ये ढोलू बोलू यहाँ बैठे हुए हैं और ये वनीला यहाँ मस्ती कर रहा है भाई साहब, और ये दोनों यहाँ साथ साथ हैं हमारे भाई, आज राहिल भाई को जुनून जुड़ावा सफाई का, और ये आज सफाई करने के लिए लगे हैं मैम, पूरी सफाई करनी इंशाल्लाह, अभी अभी कंडीशन देखें क्या हो रही है, और फिर हम आपको सफाई करके जगह दिखाते हैं कि कैसी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, 3-4 दिन पहले ही सफाई की थी लेकिन हालत इसकी वजह ख़राब हो गई है, अभी जगह को चेंज करना है थोड़ा सा लुक देना है, क्योंकि यहाँ से टंकी शंकी सब हटानी है, जगह प्लान करनी है बिल्कुल, तो अभी हम लगे हुए हैं सब, यहाँ की आधे हिस्से की सफाई हो गई है और प्रॉपर सफाई जारी है, और अभी डक्स हमने बंद कर दिया, और यहाँ की भी तक हमने काफ़ी हद तक सफाई कर दी है, और दुमरे को भी निला डाला है, दुमरे को निला रहे, बहुत गंदा हो गया था, सुल्तान को हमने निला दें, आदि भाई ने शैम्पू ला के दिया है कि शैम्पू से निला उसको, तो ये शैम्पू को हम इससे निला रहे हैं और इसका मज़ा आ रहा है, मतलब शैम्पू लगा तो फिर इसके है पैसे नहीं है, और ये देखिए हमारा जो सुल्तान है उसका नाम ही सुल्तान है, देखे उससे भी आगे का सुल्तान है, शैम्पू से नारा है भाई, लोग बाबा साबुन से नहाते हैं और ये शैम्पू से नारा है, देखें आप जैसा आपके सामने मजा आ रहा है फुल टाइम माशाल्लाह से भाई, भाई आतिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, हम सुल्तान के लिए एक फीमेल देख रहे हैं, अगर आप व्यूअर्स अगर आपके पास कोई अच्छी फीमेल हो तो जरूर हमसे रब्ता करें, बताएं हम इसकी शादी बिल्कुल ऐसे करवाएंगे जैसे अंबानी के बेटे की शादी हुई, ओ माय गॉड, आएंगे सबको क्योंकि ये भी हमारा सुल्तान है, हमारे सुल्तान की शादी में भी सब आएंगे भाई, तो कोई रिश्ता हो आपके पास कोई रिश्ता हो तो बताइएगा, और सुल्तान के लिए हमें इसकी वाइफ चाहिए और रिश्ता करना है ना, खोल दो अभी, फिलहाल हम इसको निला रहे हैं, निलाने के बाद उसका आगे का व्यू हम दिखाते हैं कि कैसा है, ठीक है रहिएगा हमारे साथ, बोल दो ओए पानी आ जाएगा सारा, ये आईफोन नहीं है, आईफोन चल जाता है, लेकिन भाई नलाया जाएगा इसको, ये माशाल्लाह प्रेशर से निला इसको राइट, अभी हम थोड़ी देर में इसको
ड्रम नहीं भरा, ड्रम पूरा नहीं भरा। हाथ नहीं डाल, हाथ नहीं डाल। करना आ रहा है क्या? हाथ नहीं डाल, चोट लगी होगी तेरा। तो ये थी ना, अंदर घुसी होगी ना भाई। बहुत गंदा हो रहा था सुल्तान हमारा। हाथ हटा के गीला करो, प्रेशर मारो, प्रेशर। मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं, बीमार हो जाएगा भाई। सर पे नहीं। आज मजदूरी के वाली मोड़ वाले पूरी सफाई करनी पड़ रही है, खराब बहुत होगा सारी मट्टी ना, बाहर निकालनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है तो सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। नर के मेल को हमने ना बाहर निकाल दिया है, बच्चे दबा देते हैं यार। बच्चा एक और मर गया, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन समझ में आया कि ये पैरों में आके दबा है बच्चा ना, पहले वाला भी इसकी वजह से वो मरा है। जिंदगी बहुत हो गई थी जिसकी वजह से ना हमने इसको सफाई करना जरूरी है। अभी हमने सुल्तान को भी निकाल दिया है। सो भाई लोग, फाइनली सफाई हो गई है माशाल्लाह से। बहुत टाइट व्यू आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और जानवर भी खुश हैं। और हमने यहाँ से भी तकरीबन सफाई पूरी कर दी है। और ये देखो मुर्गियों ने दोबारा फैला के ख़राब कर दिया है। ये ज़बरदस्त हो गई जगह माशाल्लाह से। और टंकी हमने रख दी दरख्त के पास ताकि दरख्त को पानी मिलता रहे, ये भी अपनी खुराक लेता रहे और जगह साफ़ सुथरी रहे। और बस ये एंड एंड की जगह रह गई। अब रोज़े का टाइम होने वाला है, नमाज़ भी पढ़नी है। ये एंड की जगह रह गई, ये क्लियर करनी है बस। तो आज तक का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मान अल्लाह। We'll be right back.